मोबाइल हटाओ चंदू। आयोजित की गई है और उसमें उपलब्धि यही है कि झारखंड में आतंकवाद से संबंधित एक केस दर्ज था जमशेदपुर में। उसका एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद कलीमुद्दीन उसको गिरफ्तार किया है, जो झारखंड आतंकवाद में झारखंड के आतंकवाद से संबंधित जो एक मुख्य वांटेड मोस्ट जो वांटेड अभियुक्त था। उसके लिए PTS ने मेहनत किया, कई साल से वो फरार था। वैसे तो झारखंड में आप जान रहे हैं कि सामान्यतः यहाँ जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो नक्सलवाद से संबंधित होती है, नक्सल माओवादियों का या नक्सलवाद से संबंधित जो अचीवमेंट होती है उसके बारे में होती रही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। DG का संदेश ATS टीम के लिए यह है कि उन्होंने ATS के जो पुलिस अधीक्षक चीफ विजय लक्ष्मी एवं उसकी टीम अपने संगठन में या हाँ कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं जैसे सामी हैं, और कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। हम लोग जो देश के बाहर में भी है या देश के अंदर में कुछ नगरों में कुछ सिटीज में ये लोग अभी रह रहा है, इसके तरह इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो भी आया है जिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को करना है, तो उनका नाम अभी हम नहीं बता सकते। पूछताछ में इसने ऐसी कोई साजिश रची थी क्या अपने दावे की झारखंड या नहीं? देखिए जो अनुसंधान आगे बाकी है उस तरह का जो है अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स है, वो जो इंट्रोगेशन में क्या रिवील किए हैं ये नहीं बता पाएंगे, मगर बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिले हैं ताकि ATS आगे का कार्रवाई करते हुए और आतंकवाद पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। और जो संगठन है अभी IM का और सिमी का मॉड्यूल झारखंड में कम्प्लीटली बस्ट हुआ था, उसके बाद AQIS का आपको 2016 में पता चला, तो इसी मॉड्यूल का ये मुख्य सरगना था। बाकी अन्य संगठनों से क्या जानकारी है, इसका संबंध है या नहीं, इस बारे में हम लोग और पता किया जा रहे हैं और रिमांड पर इनको लेंगे तो फिर फर्दर पूछताछ संभव होगी। ट्रेनिंग वगैरह या पाकिस्तान ये कितने बार गए हैं? सऊदी अरब और अफ्रीका बांग्लादेश इस तरह का देशों में कई बार यात्रा कर चुके हैं, और यात्रा का दौरान ये किस किस से मिले हैं या किससे उससे तो पूछताछ चल रहा है और रिमांड कर लेके आगे पूछताछ भी करेंगे। यहाँ भी कोई ट्रेनिंग के बारे जानकारी? शिविर लगा के ट्रेनिंग नहीं चलता था, मुख्य रूप से इन लोगों को प्रेरित करना और जिहाद के लिए तैयार करना, उस तरह का वो रेडिकलाइजेशन का मुख्य रूप से इधर काम करता है। नहीं अभी इंट्रोगेशन में जो जानकारियाँ मिले हैं हम लोग फर्दर उसको वेरीफाई करेंगे, सत्यापन करेंगे तभी पता चलेगा। नहीं ये कट्टी के ग्रुप के साथ में ये जुड़ा हुआ था, जो कट्टी का जितना ये इनका मुख्य रूप से है कि इधर लोगों को संगठन से जोड़ना और ट्रेनिंग पर भेजना, तो इसी का मतलब सिलसिला में ये अब्दुल रहमान कट्टी का मुख्य एसोसिएट रहा था। लिस्ट है हम लोगों के पास में, जो जेल में है उन लोगों के बारे में हमने बता चुके हैं, मगर बाहर में है अभी उनका हम लोग विवरण भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान से जो इसके तार जुड़े हैं किसकी किसके साथ जुड़े हैं? नहीं उसके बारे में अभी अन्य एजेंसी से हम लोग संपर्क कर रहे हैं लाइक IB और NIS से, तो फिर फर्दर हम लोगों को जब तक अथेंटिक नहीं मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन इस संबंध